हमें पठानकोट में आए हुए हैं सीता सिंह रियावत जो है उसको केस के हटाने के लिए, अपने केस उसको हटाने के लिए जो 110 पेश की हुई है यहाँ पठानकोट में, उसमें कुछ दो बार आई वो आई नहीं, बाकी कह रही है मेरी जान को खतरा है, मीडिया है मीडिया बोल रही है मेरी जान को खतरा है, ये है वो। बाकी जो भवीन फारूकी और चोपड़ा साहब और जो भी वकील है सारे जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मेरी सर्विसेज जो बच्ची के लिए थी वो प्रोबोनो थी, आई डिड नॉट चार्ज फी फ्रॉम देम, बट एट द सेम टाइम आई हैव लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स विद मी इन जम्मू जिनसे मैंने फीस चार्ज की है, सो लाइक आई वॉज कमिटेड, आई हैव टू बी कमिटेड, जैसे मैं आसिफा के लिए कमिटेड थी, उसके पेरेंट्स के लिए कमिटेड थी, इनफैक्ट हूँ, वैसे ही मैं उन लोगों के लिए कमिटेड हूँ जिनसे मैंने फी चार्ज की है, जिनसे मेरी एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड जो है वो एश्योर्ड रहता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं जम्मू में उन लोगों के लिए भी अपीयर हूँ। अगर मैं पठानकोट जाती, अ क्वेश्चन इज टुडे आस्ड व्हाई आई हैव नॉट बीन रेगुलरली अटेंडिंग ट्रायल एट पठानकोट। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन हु इज कीन टू नो दिस इज दैट पठानकोट हर दिन जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इट्स ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू, और अगर मैं सुबह जाती हूँ तो आई कम इन द लेट इवनिंग, शाम को लेट आती हूँ वहाँ से, तो उसका मतलब ये कि मेरे सारे जम्मू में जो केसेस है उनमें कोई अपीयर नहीं हो रहा, मेरा जो ऑफिस है जहाँ मैं क्लाइंट्स को अटेंड करती हूँ वहाँ पर कोई नहीं बैठ रहा, एंड माई डॉटर, माई हस्बैंड इज अब्रॉड, और मेरी बेटी भी जो है वो उसकी स्टडीज भी जो है वो नेग्लेक्ट हो रही हैं, सो माई ड्यूटी टूवर्ड्स हर इज ऑल्सो देयर। ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं पठानकोट जो है रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाई हूँ केस।